आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी गाड़ियाँ जो दिसंबर महीने में सबसे ज़्यादा बिकी। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 10वें नंबर पर आने वाली गाड़ी। तो 10वें नंबर पर आ जाती है मारुति की इको। दोस्तों, ये कार की बात करें तो दिसंबर महीने में पूरे इंडिया में इसके 7634 यूनिट सेल हुए थे। बात करें इसके नवंबर महीने की, तो नवंबर महीने में ये कार 10वें नंबर पे ही थी। बात करें इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन के बारे में, तो इसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल में आपको 15.37 की एमपीएल तक की माइलेज मिल जाती है और सीएनजी में इसमें आपको 21.34 किमी तक की माइलेज मिल जाती है। बात करें इसके प्राइस रेंज की, तो एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से 3.61 लाख से शुरू होकर 4.75 लाख तक इसकी प्राइस रेंज जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नंबर 9 पे आने वाली कार। तो नंबर 9 पे आ जाती है हुंडई की इलीट i20। दोस्तों, इस कार की बात करें तो पूरे इंडिया में इसके 7740 यूनिट सेल हुए थे और नवंबर महीने की बात करें तो ये कार नवंबर महीने में भी 9 पोजीशन पे ही थी। इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल में आपको 18.6 किमी तक की माइलेज मिल जाती है और डीजल में आपको 22.5 किमी तक की इसमें आपको माइलेज मिल जाती है। इसके अलावा इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से 5.52 लाख से शुरू होकर 9.34 लाख तक इसके प्राइस रेंज जाती है। अब अगर बात करते हैं नंबर 8 पे आने वाली कार, तो नंबर 8 पे है वो कार जो अभी हाल ही में थोड़े समय पहले ही लॉन्च हुई है, पर इस कार ने ज़बरदस्त पकड़ बना कर रखी है। मैं बात करूँ इस कार की, तो ये कार है मारुति की एस्प्रेसो। मैं बात करते हैं नवंबर महीने की, तो नवंबर महीने में भी ये कार 8 पोजीशन पे ही थी और ये महीने दिसंबर में भी ये कार 8 पोजीशन पे ही है। बात करें दिसंबर महीने में इसके सेलिंग की, तो ऑल इंडिया में इसके 8394 यूनिट सेल हुए थे। इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको केवल पेट्रोल ही ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 21.4 किमी तक की माइलेज मिल जाती है। बात करें इसके प्राइस रेंज की, तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 3.64 लाख से शुरू होकर 4.91 लाख तक इसकी प्राइस रेंज जाती है। अब अगर बात करते हैं नंबर 7 पे आने वाली कार, तो नंबर 7 पे आ जाती है हुंडई की वेन्यू। दोस्तों, ये कार की बात करें तो ये कार नवंबर महीने में टॉप 10 हाईएस्ट सेलिंग कार के लिस्ट से बाहर थी, पर दिसंबर महीने में इस कार के 9521 यूनिट सेल हुए हैं। बात करें इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन की, तो इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल में आपको 70.52 किमी तक की माइलेज मिल जाती है और डीजल में आपको 23.7 किमी तक की माइलेज मिल जाती है। बात करें इसके प्राइस रेंज की, तो 6.5 लाख से शुरू होकर 11.1 लाख तक इसकी प्राइस रेंज जाती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पोजीशन पे आने वाली कार के बारे में। तो ये कार है मारुति की वैगन आर। दोस्तों, ये कार की बात करें तो दिसंबर महीने में और पूरे इंडिया में इसके 10,781 यूनिट सेल हुए थे। बात करें पिछले महीने की, तो नवंबर महीने में ये 5 हाईएस्ट सेलिंग कार थी। इसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल में आपको 22.5 के एमपीएल तक की माइलेज मिल जाती है और सीएनजी में इसमें आपको 33.54 के एमपीएल तक की माइलेज मिल जाती है। प्राइस रेंज की बात करें, तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 4.42 लाख से शुरू होकर 5.91 लाख तक इसकी प्राइस रेंज जाती है। अब अगर बात करते हैं नंबर 5 पे आने वाली कार, तो नंबर 5 पे आ जाती है मारुति की विटारा ब्रेजा। दोस्तों, ये कार की बात करें तो ये कार नवंबर महीने में 7 हाईएस्ट सेलिंग कार हुआ करती थी, पर दिसंबर महीने में ये 2 पोजीशन आगे बढ़ के नंबर 5 पे आ गई है। पूरे इंडिया में दिसंबर महीने में इसके
30,558 यूनिट सेल हुए थे। इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको केवल डीजल का ही ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 24.3 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जाती है। बात करें इसके प्राइस रेंज की तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 7.62 लाख से शुरू होकर 10.52 लाख तक इसकी प्राइस रेंज जाती है। अब अगली कार की बात करते हैं तो नंबर 4 पे आ जाती है मारुति की स्विफ्ट। ये नवंबर महीने में टॉप सेलिंग कार थी, पर दिसंबर महीने में 3 पोजीशन लुढ़क कर नंबर 4 पे आ गई है। दिसंबर महीने में पूरे इंडिया में इसके 14,749 यूनिट सेल हुए थे। बात करें इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन की तो इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल में आपको 22 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जाती है और डीजल में आपको 28.4 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जाती है। प्राइस रेंज की बात करते हैं तो एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 5.14 लाख से शुरू होकर 8.84 लाख तक इसकी प्राइस रेंज जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 पे आने वाली कार। तो नंबर 3 पे आ जाती है मारुति की डिजायर। दोस्तों ये कार की बात करते हैं तो नवंबर महीने में भी ये कार नंबर 3 पे ही थी। पूरे इंडिया में इसके दिसंबर महीने में 50,286 यूनिट सेल हुए थे। बात करें इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन की तो इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल में आपको 22 किलोमीटर तक की माइलेज क्लेम की जाती है और डीजल में आपको 28.4 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जाती है। एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से इसके प्राइस की बात करें तो 5.82 लाख से शुरू होकर 9.52 लाख तक ये कार मिल जाती है। अगली कार बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाली कार के बारे में। तो नंबर 2 पे आ जाती है मारुति की ऑल्टो। दोस्तों ये कार की बात करें तो नवंबर महीने में ये नंबर 4 पोजीशन पे थी और अब ये 2 पोजीशन इम्प्रूव करके नंबर 2 पे आ गई है। दिसंबर महीने की बात करें तो पूरे इंडिया में इसके 15,489 यूनिट सेल हुए थे। बात करें इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन के बारे में तो इसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। इस कार में पेट्रोल में आपको 24.7 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जाती है और सीएनजी में आपको 33 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जाती है। अब अगर बात करते हैं नंबर 1 पे आने वाली कार तो दिसंबर महीने की टॉप सेलिंग कार है मारुति की बलेनो। दोस्तों ये कार की बात करें तो नवंबर महीने में 2nd पोजीशन पर थी और दिसंबर महीने में ये टॉप सेलिंग कार है। दोस्तों पूरे इंडिया में इसके दिसंबर महीने में 80,464 यूनिट सेल हुए हैं। बात करें इसमें मिलने वाले फ्यूल ऑप्शन के बारे में तो इसमें भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल में आपको 21.4 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जाती है और डीजल में आपको 27.39 किलोमीटर तक की मिल जाती है माइलेज। इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं तो 5.58 लाख से शुरू होकर 8.9 लाख तक इसकी प्राइस रेंज जाती है। अब तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।